लेते हैं और देखिए हम ये दर्शकों को सभी पॉलिटिकल लीडर को खुले शब्दों में बोल भी रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि अगर 60 से ज्यादा केसेस है तो धीमा जहर दे दिया तो चलो बात बन जाएगी या इस तरह से कार्डियक अरेस्ट हो गया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम ये कह रहे हैं ये सब एक प्रक्रिया के तहत हो गया, ये सब अचानक हो गया, उन्हें मना किया गया था, मेडिकल बुलेटिन यहाँ पर सामने आया है और अभी तो बहुत सारी रिपोर्ट्स का सामने आना बाकी है, उसका तो कम से कम इंतजार यहाँ पर जनप्रतिनिधियों को करना चाहिए। पप्पू यादव कहते मैं दुनिया छोड़ दूंगा, पुण्या नहीं छोड़ूंगा, पुण्या से इतना लगाव है उन्हें, सियासत कम से कम पहले वहां की संभाल ले, समझ ले ये पूरा मामला क्या है। तेजस्वी यादव और अमित सिंह हम आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले ये भी बता दें कि कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने भी कहा है कि मामले की जांच हो। अरे जांच तो होगी, ये रिपोर्ट्स जांच के लिए ही तो हो रही है, वीडियोग्राफी जो यहां पर आ रही है उसी ये जांच का ही तो हिस्सा है कि अगर मौत हुई है तो कैसे हुई है, किस वजह से हुई है। अमित कहां पर आप हैं, क्या कुछ और खास इन्फॉर्मेशन निकल कर सामने आ रही है? देखिए इस वक्त मैं बांदा मेडिकल कॉलेज के रास्ते में हूँ और मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ, जो भी चौक चौराहा आएगा पुलिस की टीम यहाँ पर अलर्ट पे ही नजर आएगी। अब लगातार कहीं पर 4 पुलिस वाले, कहीं पर 5 पुलिस के जवान, कहीं पर एक उनके साथ सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है समस्त जिला, पूरा जिला जो है इस वक्त जो है वो 144 धारा लगा दी गई है, कल जुमे की नमाज भी है, ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर कहीं से भी ना बिगड़े, कहीं से भी ना खराब हो, इसकी पूरी कोशिश जो है उत्तर प्रदेश पुलिस कर रही है, क्योंकि ये भी मालूम है कि इस पूरे मामले में अफवाह फैलाने की कोशिश होगी, सोशल मीडिया पर भी लगातार नजर रखी जा रही है कि अगर कोई भी भड़काऊ भाषण करता है तो उसके खिलाफ पुलिस जाकर सख्त एक्शन लेगी। इसीलिए न्यूज 18 इंडिया अपने दर्शकों से अपील करता है कि किसी भी भड़काऊ पोस्ट पे वो ना जाए, किसी भी अफवाह पे वो ना जाए, वो देखें कि किस तरीके से मुख्तार अंसारी का इलाज 26 तारीख को हुआ था, जब उन्हें अस्पताल लेकर आया गया था, मेडिकल कॉलेज लाया गया था, वहां पर तुरंत उनको आईसीयू में एडमिट कराया गया था, कई डॉक्टरों की टीम जो है उनकी 10 टेस्ट की थी और उसके बाद जब कुछ नहीं निकला, उनका स्वास्थ्य ठीक हुआ तो उनको वापस बांदा जेल भेज दिया गया। तो आज जैसे ही वो असहज महसूस किए, वो बेहोश हुए, जेल प्रशासन उन्हें तुरंत लेकर मेडिकल कॉलेज पहुंचता है, 9 डॉक्टरों की टीम जो है वो लगातार इनको इलाज में लग जाती है। तो जाहिर तौर पर और कोशिश होती है, कई घंटों तक कोशिश होती है, आखिरकार मुख्तार अंसारी की मौत हो जाती है। अभी जो वहां से बांदा मेडिकल कॉलेज से जो अपडेट्स आ रहे हैं कि जो 9 डॉक्टर उनके इलाज कर रहे थे उन्होंने अपना पेपर वर्क कर लिया है, जिला प्रशासन को उन्होंने अपना लिखित तौर पे दे दिया है, सीसीयू में उन्हें रखा गया था, कार्डियक जिनको दिल की बीमारी होती है जो काफी क्रिटिकल होते हैं उन्हें उनका इलाज सीसीयू में किया जाता है। अब 2 बजे रात के बाद किसी भी वक्त मुख्तार अंसारी का जो पूरा परिवार है वो मेडिकल कॉलेज पहुंचेंगे और उसके बाद जो है वहां के जिला प्रशासन और डॉक्टरों से वो बातचीत करेंगे, पोस्टमार्टम होगा, 5 डॉक्टरों की टीम और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। जमई साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जमई साहब, मुख्तार अंसारी की कार्डियक अरेस्ट की वजह से मौत, परिवार को सांत्वना है, लेकिन क्या आपकी प्रतिक्रिया है, क्या आपकी राय है? देखिए समाजवादी पार्टी और हम लोग उनके परिवार के दुख दर्द में उनके साथ हैं और 2 दिन पहले गाजीपुर के लोकसभा सांसद अफजल अंसारी साहब, जो उनके भाई भी होते हैं मुख्तार अंसारी विधायक साहब के, वो गए थे और मुख्तार अंसारी ने कहा था कि उनकी किसी भी तरह से स्लो पॉइजनिंग के जरिए उनकी हत्या हो सकती है, क्योंकि उनको किसी ऐसे मामले में पेशी उनकी होनी थी जिसमें कुछ बड़े अपराधियों को उस मामले में सजा होनी थी। तो मुख्तार अंसारी को डर था कि जेल में कुछ ना कुछ हो सकता है। उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड देखा जाए तो चाहे अभिरक्षा में हत्या हो, जेल के अंदर हत्या हो, कितनी बड़ी बड़ी हत्याएं हुई हैं, तो देश में सबसे बुरा रिकॉर्ड जो है ये उत्तर प्रदेश की जेलों का सामने आ रहा है। और हम ये समझते हैं कि जो कुछ परिवार को मुख्तार अंसारी साहब ने बताया था वो बहुत गंभीर मामला है, न्याय के मामले में, एक ऐसे मामले में कि जिसमें कोई अपराधी सजा काट रहा हो। कुछ तो अपराधी ऐसे हैं, आपको हैरत होगी कि BHU की जो अस्पताल है, कई कई साल वो VIP कमरे में उन्होंने आराम फरमा के वहीं से अपनी हुकूमत चलाई। अमित जमई साहब, हम क्योंकि आप समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, जाहिर सी बात है आपके मन में गुस्सा भी होगा, आपके मन में नाराजगी भी होगी, जांच की बात भी होगी, लेकिन इतना बताइए ना, 26 मार्च को भी तो 14 घंटे डॉक्टर्स की निगरानी में रहे, आज भी ICU में थे, लगा
सादा सेहत बिगड़ रही है, सीसीयू में डाल दिया। आपको तो खुद पता है सीसीयू में सबसे ज्यादा गंभीर मरीज को रखा जाता है। इसके अलावा ये भी आया कि मना किया हुआ था कि अभी आप रोजा मत रखिए, फिर भी रख रहे थे। इससे पहले भी सेहत यहाँ पर बिगड़ी हुई थी। और जब धीमा जहर की बात कही जा रही थी तब भी तो जांच हुई थी, तब भी तो रिपोर्ट सामने आई थी। इन सब चीजों को क्या दरकिनार कर दिया जाए? देखिए, जो स्लो पॉइजनिंग का जो उनका वक्तव्य है वो बहुत गंभीर है और अस्पताल में ले जाने तक तो वो उनको ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया गया था। हमारा कहना है कि अगर अपराधी कोई बीएचयू में कई कई साल रह सकता है तो क्या मुख्तार अंसारी को और जिंदा रखा जा सकता था? और अगर जिंदा रहते तो हो सकता है उत्तर प्रदेश की अपराध की और कुछ गुत्थियां खुलती, कुछ और लोगों को, उनसे जुड़े हुए लोगों को। और जो धाराएं, जिन धाराओं को उंगली में गिनना मुश्किल हो जाता है मेरे ख्याल से, तो मेरा क्या आपकी खुद की उंगलियों में भी वो कम पड़ जाएंगी। इतनी ज्यादा धाराएं लगी हुई थी और दोषी भी साबित हुए थे सबूतों के तथ्यों पर, दोषी भी साबित हुए थे, ऐसा नहीं है कि नहीं हुए थे। और देखिए, ये गाजीपुर की तस्वीर है, ये जो मुख्तार अंसारी के घर के बाहर की ये तस्वीरें हैं, घर के बाहर की ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल की तैनाती की ये तस्वीर, तो मुख्तार अंसारी के घर के बाहर की ये तस्वीर आप देख लीजिए। बड़ी पुलिस फोर्स की तैनाती यहां पर की गई है और इस पुलिस फोर्स की तैनाती के पीछे का मकसद सबके सामने है। हाई प्रोफाइल मामला, संवेदनशील मामला, एक ऐसा मामला जिसे लेकर सियासी रंग चढ़ाने की कोशिश क्या बोले की जा सकती है, की जा रही है। पप्पू यादव का ट्वीट आ गया, तेजस्वी यादव का ट्वीट आ गया, सुरेंद्र राजपूत का ट्वीट आ गया और सभी ट्वीट जांच की मांग कर रहे हैं और जांच तो चल रही है। मेडिकल जो होता है, जो वीडियोग्राफी होती है, जो पोस्टमार्टम होता है, वो भी तो जांच का ही हिस्सा है। ओवर टू यू रूबिका। तो जानती है ना आप, हामिद अंसारी वो रिश्ते में मुख्तार अंसारी के चाचा लगते थे, बहुत रसूखदार परिवार था और उनके दादा, मैंने आपको पहले बताया कि स्वतंत्रता सेनानी हुआ करते थे, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उस लेगेसी को जो है मुख्तार अंसारी साहब जोड़ देंगे, जबकि उनको दो अलग अलग मामलों में उम्र कैद की सजा हुई है। हत्या के उनके ऊपर न सिर्फ आरोप है, दोषी बाकायदा करार दिए गए हैं। मैंने अभी अवधेश जो कांग्रेस के नेता हुआ करते थे उनका जिक्र किया आपके सामने, अभी अमीक जामई साहब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पर मौजूद थे। कुछ टाइम पहले मैंने आपको कहा था कि तीन अलग अलग ट्वीट्स आपने पढ़कर सुनाए। पहला ट्वीट था समाजवादी पार्टी का, सबसे सधा हुआ ट्वीट था, लेकिन अमीक जामई ने आकर उस ट्वीट की रंगत जो है वो खराब कर दी, क्योंकि फौरन आकर उन्होंने इसी तरीके की डिबेट शुरू कर दी जो पप्पू यादव ने भी की और जो तेजस्वी यादव भी करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त आप जानते हैं कि हालात बहुत सेंसिटिव हैं, आपको जितनी भी राजनीति करनी है वो आप कर लीजिएगा, लेकिन रिपोर्ट्स का इंतजार कीजिए। सवाल पूछना लोकतंत्र में विपक्ष का हक है, लेकिन आप जब ये कहते हैं कि उनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा है तो आप इंतजार कीजिए ना, इंतजार इस बात का कीजिए कि सारे के सारे तथ्य सामने आ जाएं। रूबिका, आपके पास जरूर लौटेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ कृष्णानंद के भतीजे आनंद राय मौजूद हैं। आपसे बातचीत थोड़ी देर पहले हुई थी लेकिन लाइव इस वक्त हमारे साथ में हैं। पहली प्रतिक्रिया देखिए, पहली प्रतिक्रिया से हम इसलिए शुरुआत कर रहे हैं आनंद राय जी, ताकि ये तो मालूम चले कि मुख्तार अंसारी जो एक माफिया रहा, जो जेल की सलाखों के पीछे अपने कर्मों की सजा भुगत रहा था, उसकी आज कार्डियक अरेस्ट की वजह से मौत हो गई। क्या आपकी पहली प्रतिक्रिया, क्या जहन में आया? देखिए, जहन में यही आया कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। आप लोग के न्यूज चैनल के माध्यम से मुझे जानकारी हुई कि मुख्तार अंसारी, माफिया मुख्तार अंसारी की कार्डियक अटैक से मृत्यु हो गई, तो मेरे परिवार के सदस्यों की उन्होंने हत्या की थी। आज मेरा मन बहुत प्रसन्न है, ये रमजान के महीने में एक खुशखबरी मुझे मिली है। आनंद राय जी, आपके दर्द को तब भी समझा था, कानून के तहत मामला आगे बढ़ा, न्याय भी हुआ, लेकिन आज जो माहौल है उसके हिसाब से आप क्या कहेंगे, कितना जरूरी है राजनीतिक दलों को फिलहाल इस पर सियासत ना करना? हम ये कहें कि हमारा आपका कोई ताल्लुक नहीं है, तो ताल्लुक है, क्योंकि ये वही जनप्रतिनिधि है जो हमारे बीच रहते हैं, जो आपके और हमारे बीच रहते हैं, जिनके एक एक शब्द हमारे लिए बहुत खास और बहुत मायने होते हैं।
देखिए जहाँ तक राजनीतिक बयानबाजी की बात है तो लोग उनके पक्ष के लोग बयान देंगे, अपने लाभ आने के लिए लोग बयान देंगे। जहाँ तक पप्पू यादव जी का बयान आया था कि संस्था हत्या है क्या है अपना काम, इस तरह का ट्यूट उनका आया था। लेकिन मुझे जहाँ तक याद है